नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। इंटर कॉलेज सपहा में हुआ सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता। जी हां, कुशीनगर के कशिया तहसील के अंतर्गत एमडी इंटर कॉलेज सपहा में हुआ सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें उपस्थित हुए जिले के कोने कोने से आए सभी स्कूल के छात्र छात्राएं, जिसमें लगभग 4000 से ऊपर लड़के उपस्थित। कुशीनगर से हमारे संवाददाता राहुल कुशवाहा की रिपोर्ट। स्टूडेंट बैठे थे, इतने अच्छे तरीके से परीक्षा हुआ, कैमरे की निगरानी हुआ, किस तरह से तैयारी कराए थे आप? देखिए, ये तो बच्चों की संख्या अधिक हुई, ये तो क्षेत्रवासियों का और ग्रामवासियों का सबका योगदान रहा, पूरे जिले का अच्छा योगदान रहा, और मेहनत का ही फल है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी समझिए कि हीरे हैं, जो क्लीन बच्चे हैं, उनको निकाला जाए, उनको आगे लाया जाए, और जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वो सहयोग किया जाएगा, विद्यालय परिवार सहयोग करेगा। पुरस्कार क्या क्या है सर इसमें? पुरस्कार देखिए, 50 बच्चों को पुरस्कार देना है। पहले पे तो हम लोगों ने रखा है टैबलेट, और दूसरे वाले को दिया जाएगा स्मार्टफोन, और तीसरे वाले को दिया जाएगा साइकिल, और फिर 1 से 50वें नंबर तक उसके बाद वाले को सांत्वना पुरस्कार में कुछ न कुछ प्राइज दिया जाएगा। सर, आप ये परीक्षा करवा रहे हैं, क्या सोच करके करवाए हैं? आपका सोच क्या है इस परीक्षा करवाने के लिए? इस परीक्षा में देखिए, अभी जो भी कंपटीशन हो रहा है, जो भी नए नए कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें यही हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन जीके का, कुछ जीएस का, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी सोच ये रह रही है कि जो भी कंपटीशन का फॉर्म निकले, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और मेहनत करें और अच्छा अंक लाएं। लगभग कितने बच्चों की संख्या थी आपके? लगभग जिले में कई सेंटर बने हुए थे, लगभग 4000 से एवब थोड़ा सा संख्या है, और बच्चों का एग्जाम हुआ आज के दिन, काफी अच्छा रहा। इस टीवी चैनल के माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, मेहनत करें, और जो भी कंपटीशन का फॉर्म भरा जा रहा है उसमें भाग लें, और हम लोग का काम ही है कि अध्यापक का काम ही होता है कि हीरे निकाला जाए। यह प्रतियोगिता हर साल करवाएंगे? हाँ, ये प्रतियोगिता हर साल होगा, हर साल प्रतियोगिता होगा। गुंडों ने लूट को दिया अंजाम। जी हाँ, जिला बरेली थाना शेरगढ़ के डूंगरपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में 3 बजे एक दृश्य आया सामने। दिन दहाड़े दो गुंडों ने लूट को दिया अंजाम। 20,000 की नगद राशि लेकर हुए फरार। सूचना मिलने पर पहुंचे थाना शेरगढ़ एसओ अश्विनी कुमार मौके पर ली जानकारी। बरेली से हमारे संवाददाता दुर्गेश मौर्य की रिपोर्ट। हाँ बेटा, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ पे दो लड़के आ पल्सर गाड़ी से, बोले हमें 10 किलो आटा चाहिए। मैंने आटा दिया उन्हें, तो उन्होंने मुझे 2000 का नोट दिया। मैंने उन्हें पैसे वापसी दिए फेर के, तो फिर बोले हमें और आटा चाहिए। मैं आटे की थैली लेकर अंदर गई, फिर वो आए दुकान में खड़े थे वो, फिर मैंने कहा आटा नहीं चाहिए, बोले हमें आटा नहीं। अब हमारी बाजी ने फोन करा, अभी हमें चाहिए। मैंने कहा तुमने तो कहा था, तो वो लेके चलेगा, बहुत जल्दी गए थे और सारे पैसे ले गए दुकान में से, लगभग 20,000। उनके साथ कोई और था क्या? हाँ, कावर के थे सफीजान, वो यहाँ पे पहले उन्होंने गाड़ी रोकी थी, फिर आगे रोकी, फिर पीछे से वही दो लड़के आए थे। अच्छा, तो लेने क्या आए थे वो ये दुकान पर? यहाँ पे आटे का थैला लेने आए थे वो। अच्छा, फिर आपकी और कोई बात हुई थी उनसे? हाँ, मैंने क्या और लेना है, बोले मुझे और लेना आटा, तो मैं घर में और लेने गई, इतनी देर में चले गए। मैंने कहा तुमने तो कहा था आटा और लेना, तो बोले अब नहीं चाहिए, बहुत तेज गाड़ी लेके गए। अच्छा, भाग गए आप? हाँ, पीछा नहीं किया आपने किसी? हम, मैं पीछा जा रही थी, तो सफी जान खड़े थे, बोले तुम पैदल जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, मैं लेके चले आऊँ गाड़ी से। तो वो हमें इस्लामपुर को लेके गए, और जो पैसे लेके भागे थे, और वो टंकी चौराहे पे गए थे, तो हमें दूसरी रास्ता ले जा रहे थे। बहुत हमने क्या इधर को नहीं जाएंगे, तो बीच रास्ते में उतारा हमें। ठीक है।